Hi everyone, welcome to my channel. My husband and I recently went on an amazing trip to Ladakh, and in my last video I shared our experience and gave you some tips on how to plan a trip to Ladakh. लद्दाख बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड पे है और वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू आर प्लेन्स. तो जब आप वहाँ फ्लाइट से जाते हैं तो विद इन अ स्पैन ऑफ वन और वन एंड हाफ आवर आपके एटमोसफेयर का ऑक्सीजन ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाता है और आपकी बॉडी उसके लिए रेडी नहीं होती है. तो इस वजह से आपको अक्यूट माउंटेन सिकनेस यानी कि AMS हो सकता है, जिसमें आपको चक्कर आ सकते हैं, उल्टियाँ हो सकती हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं. ये थोड़े कॉमन सिम्टम्स हैं. तो इससे बचने के लिए अगर आप लद्दाख जा रहे हैं तो वहाँ पर रुककर आपको कम से कम एक या दो दिन तो रेस्ट ज़रूर करना चाहिए. तो इसलिए हमने फर्स्ट डे सिर्फ रेस्ट किया, हमने कुछ काम नहीं किया, हम कहीं घूमने नहीं गए, हम बस शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलने गए थे और हमने ऑनलाइन परमिट बुक कर लिया था लद्दाख में घूमने के लिए, बस और कुछ नहीं किया था. सेकेंड डे हमने डिसाइड किया कि हम लोकल लद्दाख ही घूमेंगे, विच इज़ एट द सेम ऑल्टीट्यूड, और इस वजह से हमारी बॉडी को एक और दिन मिल जाएगा वहाँ के एटमॉस्फेयर में अक्लिमेटाइज होने के लिए. लद्दाख ट्रिप के तीसरे दिन हम लोग खरदुंगला पास के लिए निकल पड़े. अब खरदुंगला पास के आसपास ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम है, तो ध्यान दें कि निकलने से पहले अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर ज़रूर लेके चलें. हमने लेह में ही पास की केमिस्ट शॉप से एक ऑक्सीजन सिलेंडर 3 दिन के लिए रेंट पर ले लिया था और हमने उनसे ये भी सीख लिया था कि उस ऑक्सीजन सिलेंडर को यूज़ कैसे करते हैं. आप अपनी सनग्लासेस ज़रूर पहन लीजिएगा क्योंकि हायर ऑल्टीट्यूड्स पर यूवी रेडिएशन कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है और फ्रेशनो रेडिएशन को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है. तो अगर आप बिना सनग्लासेस के स्नो देखेंगे तो थोड़ी देर बाद आपकी आंखों पर दर्द शुरू हो सकता है, और अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक नेकेड आई से स्नो को देखेंगे तो आपको स्नो ब्लाइंडनेस भी हो सकती है. सो वेयर योर सनग्लासेस गाइस. अब मेरी थर्ड टिप थोड़ी ऑब्वियस ही है लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ. वहाँ पर बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं और उससे आपकी स्किन बहुत ही ड्राई हो सकती है और क्रैक भी हो सकती है. तो अपने फेस पर बहुत ही जनरसली वैसलीन पेट्रोलियम जेली लगा लें या फिर कोई भी कोल्ड क्रीम लगा लें जिससे आपकी स्किन ख़राब ना हो. वहाँ पर कभी कभी स्नोफॉल या स्नो स्लाइड की वजह से रास्ते बंद भी हो जाते हैं और घंटों तक आप वहीं पर फंसे रह जाते हैं. तो अपना बैटरी बैंक ज़रूर रख लें ताकि आपका फ़ोन डिस्चार्ज हो जाए तो फिर आप उसको दोबारा से चार्ज कर सकें. वहाँ पर डिहाइड्रेशन बहुत होता है और ठंड की वजह से आपको रियलाइज़ भी नहीं होता कि आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है. तो अगर आपको प्यास लगी हो या ना लगी हो, थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूर पीते रहें. मैंने लाइफ में कभी भी स्नो नहीं देखी थी इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी खरदुंगला पास के लिए, और बहुत ही ब्यूटीफुल ड्राइव थी, बहुत ही पिक्चरस्क सीन्स थे, एकदम मज़ा ही आ गया. रास्ते में स्नोफॉल होने लगी और जिसका डर था वही हुआ, रास्ते बंद कर दिए गए और हम लगभग 1.5-2 घंटे के लिए वहीं अटक गए. लेकिन वहाँ के व्यूज़ इतने ज़्यादा सुंदर थे कि मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा. हम वहाँ बर्फ में खूब खेले और वहाँ पे पास ही में एक कैफ़े था जहाँ पे हमने चाय पी और मैगी खाई. काफ़ी देर बाद स्नोफॉल रुक गई और रोड से बर्फ साफ कर दी गई और हम आगे बढ़ने लगे. रास्ते में हमें रोड के किनारे रोड से बर्फ हटाने वाले लेबर्स दिखाई दिए एंड आई फेल्ट सो मच रिस्पेक्ट फॉर देम कि वो कितनी मुश्किल कंडीशंस में अपना काम करते हैं. थोड़ी देर बाद फिर से स्नोफॉल होने लगी और रोड पर बर्फ की वजह से गाड़ियाँ स्लिप होने लगी. अब ऐसी कंडीशंस में गाड़ी के टायर्स पर चेन्स लगानी पड़ती हैं, इसलिए निकलने से पहले ध्यान दें कि आप अपने साथ वो चेन्स ज़रूर रख लें और उसे बांधना भी पहले से सीख के रखें. और अगर आपने गाड़ी हायर कर रखी है तो अपने ड्राइवर को याद दिला दें कि वो चेन ज़रूर रख ले ताकि अगर आगे जाकर स्नोफॉल की वजह से गाड़ी स्किड होने लगे तो आप उसको अपने टायर्स पर बांध सकें. अब टायर्स में चेन्स लगाकर गाड़ी चलाने से गाड़ी का भी आवाज़ करती है और उससे गाड़ी को थोड़ा बहुत डैमेज भी होता है, लेकिन खाई में गिरने से तो बेटर ही है, इसलिए प्लीज़ 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 चेन्स ज़रूर लगा लें. बेहद खूबसूरत रास्तों से गुजरते हुए हम खरदुंगला पास पहुँचे और ऑनेस्टली वहाँ पहुँच के मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी. वहाँ
ऑक्सीजन की कमी की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही थी और मेरे थोड़े से चक्कर आ रहे थे और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वहाँ पर बस दो चार फोटो खिंचवा कर हम लोग तुरंत आगे बढ़ निकले। वहाँ से आगे बढ़कर भी काफ़ी ट्रैफिक जाम था और हमें वहाँ से निकलने में लगभग 1.5-2 घंटे और एक्स्ट्रा लग गए। वहाँ पे कई लोग आपको बताएंगे कि खरदुंगला पास वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, लेकिन ये फैक्ट इस वक्त सही नहीं है। इस वक्त लद्दाख का उमलिंगला पास वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, जिसको कि ब्रो यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनवाया है। उमलिंगला पास की हाइट 19,300 अबव सी लेवल है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इसका नाम है। आई थिंक दिस इज रियली समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। खरदुंगला पास इंदस रिवर वैली और श्योक रिवर वैली को कनेक्ट करता है। वैसे तो हमारा सेम डे नुब्रा वैली, हुंदर ड्यून्स और दिस्कित मोनास्ट्री भी जाने का प्लान था, लेकिन क्योंकि हमें ऑलरेडी 4 घंटा एक्स्ट्रा लगा वहाँ से निकलने में, हम लोग को ये प्लान कैंसिल करना पड़ा। खरदुंगला पास से होकर हम नुब्रा वैली गए क्योंकि वो इंडिया की इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर आपको डबल हम्प्ड कैमल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आप डबल हम्प्ड कैमल यानी कि बैक्ट्रियन कैमल्स की राइड ले सकते हैं। उस समय इसके चार्जेस 300 पर पर्सन थे और मेरे ख्याल से ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता होगा। मैंने ये राइड्स नहीं ली क्योंकि मुझे एनिमल राइड्स से थोड़ी एनिमल क्रुएल्टी वाली फीलिंग आती है। तो हम दोनों बस वहाँ पर थोड़ी देर घूमे और हमने काफ़ी देर वहाँ पर रेस्ट किया और फिर हम वापस अपने गेस्ट हाउस की तरफ निकल पड़े। हमने दिस्कित में लोसर गेस्ट हाउस बुक किया था जो कि उस समय नया नया बना था। हमको एक रात के और 2 लोगों की डिनर और ब्रेकफास्ट के केवल 2,000 रुपीज़ लगे थे। रूम्स बिल्कुल कंफर्टेबल थे, वॉशरूम साफ थे और उसमें गर्म पानी आ रहा था और खाना बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल घर जैसा था। डिनर कर हम चैन से सो गए और फिर हमने फोर्थ डे क्या किया ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। Thank you so much for watching. I hope you liked it. I hope it was useful for you. Don't forget to subscribe to my channel if you'd like to watch more videos like this. And you can also follow me on Instagram. My Instagram handle is artwithsonam. And I'll see you later. Bye-bye.